रोजाना एक खूबसूरत लड़की अकेली यूनिवर्सिटी जाती थी और उसी यूनिवर्सिटी में उसका पिता एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। एक दिन छुट्टी के फौरन बाद अचानक बादल गरजने लगे और जोरदार बारिश होने लगी। हर कोई बारिश से बचने की पनाह के लिए दौड़ने लगा। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सर पर बरसने लगे। ये लड़की भी यूनिवर्सिटी से निकली और बारिश और सर्दी से बचने की पनाह के लिए दौड़ने लगी। उसका जिस्म सर्दी से कांप रहा था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसे पनाह कहाँ मिलेगी। जब बारिश तेज हुई तो उसने एक दरवाज़ा खटखटाया। उस घर के अंदर से एक जवान लड़का बाहर आया और उसे अंदर ले गया और बारिश थमने तक उसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। दोनों के बीच में जब बातें हुई तो पता चला कि लड़का भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहां वह खुद पढ़ाई कर रही है और इस शहर में अकेला रहता है। एक कमरा, बरामदा, बाथरूम उसका कुल घर है। उस नौजवान लड़के ने उस लड़की को कमरे में आराम करने को कहा और उसके पास हीटर रख दिया और कहा जब कमरा गर्म हो जाएगा तो वह हीटर निकाल लेगा। थोड़ी देर लड़की बिस्तर पर बैठी कांपती रही, फिर अचानक उसे नींद आ गई तो यह बिस्तर पर गिर गई। जब वह लड़का हीटर लेने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो उसे ये बिस्तर पर सोई हुई लड़की जन्नत की हूरों की सरदार लगी। वह हीटर लेते ही फौरन कमरे से बाहर आ गया, लेकिन शैतान जो उसे गुमराह करने के मौके की तलाश में था उसे लालच देने लगा। उसके जहन में लड़की की तस्वीर खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा। थोड़ी देर में लड़की की आंख खुल गई। जब उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो हड़बड़ाकर उठ गई और घबराहट के आलम में बेतहाशा बाहर की तरफ भागने लगी। उसने बरामदे में उस नौजवान को बेहोश पाया और वह लड़की बहुत ज्यादा घबरा गई और अपने घर की तरफ भागने लगी और पीछे मुड़कर भी ना देखा और घर पहुंचकर अपने बाप की गोद में अपना सर रख दिया, जो कि पूरी रात उसे शहर के हर कोने में ढूंढता रहा। उसने अपने बाप को सारा वाक्य कह सुनाया और उसे कसम खा के कहा कि मैं नहीं जानती जिस समय मेरी आंख लगी क्या हुआ मेरे साथ और मेरे साथ क्या किया गया, मुझे कुछ नहीं पता। तब उसका बाप बहुत ज्यादा गुस्से के आलम में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंचा और उस दिन गैर हाजिर होने वाले लड़के के बारे में पूछा तो पता लगा कि एक लड़का शहर से बाहर गया है और एक बीमार है और अस्पताल में दाखिल है। बाप अस्पताल में पहुंच गया ताकि उस नौजवान को तलाश करे और उससे अपनी बेटी का इंतकाम ले। अस्पताल में उसकी तलाश के बाद जब उसके कमरे में पहुंचा तो उसे इस हालत में पाया कि उसकी दोनों हाथों की उंगलियां पट्टियों से बंधी हुई थी। उसने डॉक्टर से उस मरीज के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि जब ये हमारे पास लाया गया तो इसके दोनों हाथ जले हुए थे। तो उस लड़की के बाप ने नौजवान से कहा कि तुम्हें खुदा की कसम कि मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। बाप ने अपना परिचय नहीं दिया था। वो बोला कि एक लड़की बारिश से बचती हुई मेरे पास पनाह लेने के लिए आई, मैंने उसे अपने कमरे में पनाह तो दे दी मगर शैतान मुझे उस लड़की के बारे में फिसलाने लगा तो मैं उसके कमरे में हीटर लेने के बहाने दाखिल हुआ तो वह सोई हुई लड़की मुझे जन्नत की हूर लगी। तब मैं
फौरन बाहर निकल आया। लेकिन शैतान मुझे लगातार उस लड़की के बारे में फिसलाता रहा और गलत ख्यालात मेरे जहन में आते रहे। तो जब भी शैतान मुझे बुराई करने के लिए उकसाता, तब मैं अपनी उंगलियां आग में जलाता और नरक की आग और उसके दर्द को महसूस करूं, ताकि मैं बुराई ना करूं और अपने शरीर को बुराई से बचाए रखूं। और फिर मेरी सारी उंगलियां जल गई और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं अस्पताल कैसे पहुंचा। और यह बातें सुनकर बाप बहुत हैरान हुआ और फिर बुलंद आवाज से चिल्लाया, हे लोगो, यहाँ आओ। मैंने इस पाक और खुदा का भय मानने वाले लड़के से अपनी लड़की की शादी तय कर दी है। यह है खुदा का भय मानने वाले लोगों का जिक्र। अगर खुदा का भय ना होता तो उस लड़की की इज्जत बची ना रहती और उस पर दाग लग जाता। जो भी लड़का या लड़की नाजायज संबंध बनाते हैं या गैर मोहब्बतें और नाजायज रिश्ते रखते हैं, वह अपने संबंधों को अपने माता पिता से छिपाने की हद से हद कोशिश करते हैं कि उनके माता पिता उनके इन नाजायज रिश्तों से बेखबर रहें, जबकि वो जानते हैं कि खुदा उनके हर कामों को जानता है। ऐसा क्यों है? फिर भी उनके अंदर खुदा का भय पैदा क्यों नहीं होता? क्योंकि माता पिता ने बचपन से उनके दिल और दिमाग में खुदा के डर के बजाय अपना जाति खौफ, रोब और दबदबा और सजा का खौफ ही बैठाया है। अपने बच्चों के दिल में अपना नहीं, खुदा का भय डालें। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।